दोस्तों ये बात है 1962 की, जब चाइना ने इंडिया पर अरुणाचल प्रदेश को हड़पने के लिए हमला कर दिया था। चाइना इंडिया पर हावी होता जा रहा था, इस वजह से भारतीय सेना ने गढ़वाल रेजिमेंट की 4th बटालियन को वापस लौटने का आदेश दिया। लेकिन ये तीन सैनिक कहां मानने वाले थे, इन्होंने कहा अब तो चाइना को हरा कर ही लौटेंगे। और फिर इन्होंने चाइना के सीक्रेट बेस पर हमला कर दिया और वहां के कुछ सैनिकों को मार के वहां से मशीन गन ले आए। लेकिन इस लड़ाई में 3 में से 2 सैनिक शहीद हो गए, जिसके बाद अकेले बचे सैनिक ने पूरे 72 घंटे तक भूखे प्यासे रहकर 300 से ज्यादा चीनी सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। 72 घंटे बाद ये सैनिक काफी ज्यादा घायल हो गया, बट घायल होने के बाद भी ये सैनिक हार नहीं माना। थोड़ी देर बाद चीनी सैनिकों ने इसको चारों तरफ से घेर लिया, पर इसने तभी भी हार नहीं मानी। इसने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का सामना किया। दोस्तों इस सैनिक ने किसी रियल हीरो की तरह भारत माता की रक्षा करी।